Assalamu alaikum. Welcome to our channel Desi and Pardesi Food with Amna. Please subscribe our channel and press the bell icon. आज हम बनाने जा रहे हैं choco लावा केक. सबसे पहले हम उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं. आपको चाहिए एक कप मैदा, एक कप चीनी, 4 टेबलस्पून choco पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर. ये हमने चॉकलेट लिया कैडबरी, इसे हम मेल्ट करके इसमें डालेंगे. और साथ में हमने ये लिया है बटर 2 टेबलस्पून, और ये 3/4 कप मिल्क हमें चाहिए. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना choco लावा केक. सबसे पहले हम लेंगे एल्युमिनियम फॉइल का पेपर, और उससे हम अपने choco लावा केक के लिए कप्स बनाएंगे, जिस कप में हम अपने choco लावा केक को बेक करेंगे. उसके लिए आप क्या करें, हाँ, ये आप एक इस तरह से ग्लास या कप ले लें, उसको उसके ऊपर यूँ रखें इसको, और उसकी साइड को यूँ इस तरह से फोल्ड करें ताकि ये एक कप की शेप जो है हमारे पास आ जाए. इस जो हमारे पास ये एल्युमिनियम फॉइल है, इस तरह से आप इसको जो है ये देखें. अब इसकी साइड्स को हम जो है ना फोल्ड कर लेंगे ताकि ये एक शेप उसकी ठीक से कप की बन जाए. तो ये इसको आप जो है फोल्ड करें और इस तरह से ये जो है कप की शेप दे दें ताकि थोड़ा सा ये इस तरह से आ जाए कि आप इजीली इसको उठा सकेंगे. तो ये आप देख सकते हैं, और साइड्स को मैं इसलिए फोल्ड करी कि आपको पकड़ने में आसानी हो. ये हमारा जो है कप इस तरह तैयार हो जाएगा एल्युमिनियम फॉइल का, ठीक है. इसी तरह से हमने काफ़ी सारे नए एल्युमिनियम फॉइल जो है ऑलरेडी कर ली हैं तैयार. अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे. क्या है, हाँ, आप इसमें मैदा डालें, साथ में ये जो कप एक कप हमने चीनी ली थी वो भी डाल दें, साथ में ये जो हमने choco पाउडर लिया है वो भी, और ये जो हमने एक टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया. अब आप इस छलनी से इसको अच्छे से मिक्स कर लें और छान लें. इस तरह मिक्स करने से जो केक है वो बहुत अच्छे से बेक होगा. तो मिक्स कर लिया है जो हमने चीनी, choco पाउडर, मैदा और जो हमने बेकिंग पाउडर का मिक्सचर बनाया था, उसको आप अच्छे से मिक्स कर लें. अब हमने इस मिक्सचर को जो हमने 3/4 मिल्क जो लिया है उससे हम इसका बैटर तैयार करेंगे. आप इसको अच्छे से मिक्स करते रहें तो आप इसका बैटर जो है तैयार कर लेंगे. ये जो है वो दूध से हमने ये बैटर इसका तैयार कर लिया. अब हम जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, जिसमें हमने ये जो हमने चॉकलेट दी थी, अब इसको हम मेल्ट करेंगे. किस तरह से मेल्ट करेंगे हम आपको दिखाते हैं. हमने ये पानी ले लिया था गर्म करने के लिए, और पानी गर्म करने के बाद हम इसमें ये रखेंगे और इसको हल्के हल्के से गर्म पानी के ऊपर रख के जो है मेल्ट करेंगे ताकि ये चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए. ये इसमें ये चॉकलेट हम मेल्ट कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि चॉकलेट पूरी तरह से जो है ना वो मेल्ट हो गई है. अब जो हमने रखा था वो देसी घी और बटर या जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं इसमें, वो हम डालेंगे और इसमें से एक सिर जो है स्पून हम डाल के तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अब हम इसको दिखाते हैं आपको मिक्स करते हुए. देखें इस तरह से ये बिल्कुल मेल्ट हो गई है चॉकलेट भी, और वो जो हमने इसमें आप बटर डाल सकते हैं, सॉल्टेड नॉन सॉल्टेड दोनों से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं. तो आप इसमें इसको अच्छे तरह से मिक्स करें, थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा मिक्स होने के बाद. अभी जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो चॉकलेट का, डेरी मिल्क का, और उसमें जो बटर का, वो अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं जो हमने
केक का बैटर तैयार किया है। अब हम इसको इसमें मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि जिस तरह हम नॉर्मल केक बनाते हैं वो कंसिस्टेंसी है इसकी, लेकिन हमने इससे थोड़ी सी, इसको ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा इसको जो है ना इसे पतला करना है लावा केक के लिए। हम इसमें थोड़ा सा जो है मिल्क जो है उसमें यूज़ करेंगे। और इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें। अब ये देखिए पहले से थोड़ा सा पतला हुआ है, आपको इस तरह से नॉर्मल केक से थोड़ा सा पतला चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना और जो नॉर्मल केक की थिकनेस है उससे थोड़ी सी थिकनेस इसकी आप कम करेंगे। अब हमने जो मोल्ड तैयार किए थे थोड़ा सा हम इसको मिक्स और करेंगे। अब ये बिल्कुल हमारा रेडी हो गया। अब हम जो हमने मोल्ड तैयार किए थे एल्युमिनियम फॉइल के, अब हम उनके अंदर इनको डालेंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से आपने इसको इतना पतला रखना है, इससे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना ना ही इससे ज़्यादा आपने थिक रखना। चलो इधर डालो। ये हमने देखी ली थी, इसमें हमने नीचे आप देख रहे हैं नमक हमने डाल दिया था और इसमें हमने एक स्टैंड रखा हुआ है, इसे 10 मिनट्स के लिए हमने प्री हीट किया हुआ है। अब हम जो है इन मोल्ड्स में जो है अपना केक का मिक्सचर डालते हैं। अब आप इसमें जो है मोल्ड्स में केक का मिक्सचर डालेंगे। थोड़ा सा आप जो है ना इसको फुल नहीं आप करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा सा आप इसको करेंगे नीचे रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा जब फूलेगा केक बेक होने के बाद आप इसको यूँ टैप करें ताकि एयर बबल्स जो हैं इनमें इसे अच्छे से निकल जाए। अब आप इसमें डालती जाएं इस तरह से। इसके बाद इसको भी टैप करें ताकि एयर बबल्स बिल्कुल इसमें से निकल जाए। ठीक है, अब हम इसमें सारे अपने जो हैं ये एल्युमिनियम फॉइल के मोल्ड्स जो हैं ना केक लावा केक के वो सारे इसके अंदर रखेंगे वन बाय वन। आप इसको यूँ आराम से रखें ताकि जो है आप इसमें हमारे पास, हम इसमें 5 जो है ना 5 ही हमारे पास स्पेस थी तो हम 5 को ही रख रहे हैं। अब आप इसको 12 मिनट्स के लिए जो है ना मीडियम टू हाई फ्लेम के लिए रखें। अभी हम आपको 12 मिनट्स के बाद दिखाते हैं। देखें ये पैनकेक्स जो हैं इसको हिला के देखें, इसमें थोड़ा सा जो है वो अंदर से हिल रहा है। अब हम इनको बाइट निकाल रहे हैं वन बाय वन। ये हमने सारे अपने जो है लावा केक निकाल लिए, आप देख सकते हैं कि ये अभी वो बन चुके हैं, अंदर से जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट आपको दिखाई देगा। अब हम इसको इसमें से निकाल लेंगे। अभी ये बहुत गर्म है, आप इसको जब थोड़ा ठंडा हो तो फिर इसको इसमें से निकाल लें। मैं इसको भी आपके सामने गर्म गर्म को ही जो है ना डिश आउट करके दिखा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये गर्म है। बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं अभी निकाल रही हूँ। ये देखिए हमने इसको निकाल लिया, ये देखिए ये बिल्कुल जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल सही से शेप बन गई है। अब हम इसको, मैं आपको इसको कट करके तो दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने इसमें से ये निकाला था, अब मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये आपने इसको कट किया और ये देखिए ये कैसे इसमें से लावा आपको दिखाई दे रहा होगा, कैसे निकल रहा है। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट करके भी दिखाती हूँ। परफेक्ट लावा केक तैयार है। आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन का बटन प्लीज़ प्रेस करें। थैंक यू।